नमस्कार, मैं डॉक्टर सतीश शर्मा, DHMS। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम दमा के बारे में बात कर रहे हैं। दमा, जिसे हम अस्थमा भी कह सकते हैं, श्वास रोग भी कह सकते हैं, मेनली क्या होता है कि चेस्ट इन्फेक्शन की वजह से अक्सर सांस फूलने लगता है, क्योंकि जो श्वास नली होती है उसमें कहीं ना कहीं कोई रुकावट आ जाती है। चाहे वो कोई बलगम की रुकावट आ गई हो, या श्वास नली में कहीं कोई स्वेलिंग आ गई हो, या कोई कचरा फंस गया हो, जिसकी वजह से अक्सर सांस लेने में बहुत परेशानी होती है। चलने फिरने में सांस फूलने लगता है, कई बार बैठे बैठे भी सांस भरने लगता है, और छाती में से आवाज़ें आती शुरू हो जाती हैं। जैसे कईयों को सीटी की सी आवाज़ आती है, साई साई की आवाज़ आती है, या कोई बहुत ज़्यादा घड़ घड़ की आवाज़ आती है। तो वो मेनली क्या होता है, चेस्ट इन्फेक्शन की वजह से होता है। अब चेस्ट इन्फेक्शन चाहे किसी भी कारण हो सकता है, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करने की वजह से भी चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है, किसी को मतलब बहुत पुरानी खांसी है, सूखी खांसी या बलगम वाली खांसी बहुत लंबे समय से चली आ रही है, तो उनको भी चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से दमा बन जाता है। बचपन में कोई नमूनिया बिगड़ गया और इन्फेक्शन रह गया तो भी मतलब दमा बन सकता है, या फिर किसी के मतलब पेरेंट्स को TB का या दमा का प्रॉब्लम रहा हो, उनसे हेरिडिटी के तौर पर भी मतलब बच्चों में अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके साथ साथ जो अपना खान पान गलत रखते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा तली फली चीज़ें खाते रहते हैं, ठंडी खट्टी चीज़ें बार बार इस्तेमाल करते रहते हैं, जो अपने खाने पीने का प्रॉपर ध्यान नहीं देते, अपने रहने सहने का ध्यान नहीं देते, तो उनको भी अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है। तो अस्थमा के रोगियों को एक तो जैसे गर्म पानी का सेवन ज़रूर करना चाहिए, प्रॉपर गर्म पानी लेना चाहिए, गर्म पानी की भाप भी ली जा सकती है, और सुबह सुबह जैसे अगर आप योगा करते हैं तो लंबे सांस, अगर आप मतलब 5 बार 10 बार भी अगर आप लंबे सांस लेते हैं, तो उससे भी सांस के रोगियों को काफ़ी अच्छा आराम आता है। पर इस चीज़ का ध्यान रखें कि बदलते हुए मौसम में या सर्दी के मौसम में बाहर बैठकर नहीं करना है, उसके लिए कमरे के अंदर रहें, एकदम से ठंड में ना जाएं, और गर्म चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। जैसे अपना अदरक और शहद है, उसको लिया जा सकता है, उससे भी काफ़ी आराम मिल जाता है, या फिर अदरक का टुकड़ा है, तुलसी का पत्ता है, इनको मुंह में डालकर चूसते रहें तो उससे भी काफ़ी आराम मिल जाता है। और ठंडी और खट्टी चीज़ें नहीं लेनी है, साथ में जो अपना मतलब ये बहुत ज़्यादा तली फली चीज़ें हैं ये ना लें, तो इतना करने से सांस के रोगियों को काफ़ी हद तक आराम आ जाता है। अगर इसके बाद भी किसी को परेशानी आ रही है तो मैं एक बहुत अच्छी दवा बता रहा हूँ, दवा का नाम है डॉक्टर दमा प्लस BC2। ये टैक्टिस इंडिया का गवर्नमेंट अप्रूव्ड फॉर्मूलेशन है और इमामी ग्रुप के होम्योपैथिक वेंचर द्वारा मैन्युफैक्चरिंग दवा है। दवा कॉम्बो पैक में रहती है, इसमें दो तरह का दवा रहता है, पीने के लिए डॉक्टर दमा ड्रॉप, जिसकी 20-20 बूंद दवा की 1 कप पानी के अंदर मिलाकर दिन में 4 बार पीना होता है, और इसके साथ बायोकेमिक नंबर 2 की गोलियां होती हैं, जो 4-4 गोली दिन में 3 बार चूसनी होती हैं। दवा को बीमारी के आधार पर कम से कम 2-3 महीना जरूर लेना चाहिए। दवा के साथ खुशबू वाली चीज़ें नहीं लेनी है, जैसे कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन, इलायची, सौंफ, हींग, कॉफ़ी, या बहुत ज़्यादा ठंडा और खट्टा ना लें। अधिक जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर भी नोट कर सकते हैं, 8285-742-000। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।